Mirror now, having reached the bastion of late Congress leader Mahendra Karma, who died in a Maoist attack in 2013 in Faraspal area of Dantewada there. Mandar Fanse also visiting the polling booths to see whether people have turned up today to vote. This is one more polling booth where the polling is on since morning. This is Faraspal village, which is one of the most important villages as far as the polling is concerned. This is again one more fortress in a way. Most of the schools over here are being used for polling centers, but all the schools are completely barricaded, and the polling is still on. Of course, one of the most important aspect of this village is that this is the village of Mr. Mahendra Karma, who was also attacked and killed in a Maoist attack in 2013. Remember, in 2013 there was also a big Maoist attack on the Congress campaigning trail, and where almost 27 people have died and 65 people were injured in that particular attack. And this is the place where all those top leadership has come from. The Karma family was also there in this particular village residing. And this village now is awaiting voting. The voting is going on a little slow speed. So this is one more little larger village in these areas. And Dantewada happens to be one of the most important and sensitive areas as far as voting is concerned. Mandar Fanse also having spoken there to the late Congress leader Mahendra Karma's son on the current political scenario in the state there. Let's take a listen in. क्या कहेंगे किस प्रकार से वोटिंग यहाँ पे जो हो रहा है वो ठीक से हो रहा है क्या कहना है आपका कुछ बेल्ट हैं जहाँ पे वोटिंग नहीं हो रहा थे उनको तो शिफ्ट कर दिया गया है लेकिन हम लोगों का जो कुछ पंचायत हैं जो मेन रोड से लगे हुए हैं उनमें वोटिंग ठीक है अच्छी स्थिति है जी 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 यहाँ पे विकास के नाम पर क्या चाहिए लोगों को देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि नक्सलियों जितने भी गांव हैं इंटीरियर है उनमें नक्सली गतिविधियों के चलते उन एरिया में डेवलपमेंट बिल्कुल जीरो है और मैं पहले जैसे बताया कि यहाँ के लोग शांति चाहते हैं खुशहाली चाहते हैं बट जब तक सरकार उन तक नहीं पहुंचेगी, चाहे वो किसी की भी सरकार हो आज जैसे हमारी सरकार इससे पहले बीजेपी की सरकार थी हम जब तक वहां तक नहीं पहुंचेंगे, वहां रोज़गार मुहैया नहीं कराएंगे जैसे बड़ी बड़ी हमने कई बार इससे पहले भी विरोध करा कि एनएमडीसी है एसआर है और जितनी भर्तियाँ हैं अगर लोकल भर्तियाँ होगी लोकल लोगों को आप रोज़गार दोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो बंदूक नहीं उठाएंगे आज कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो बेरोज़गारी है बेरोज़गारी नक्सलवाद का सबसे बड़ा समस्या कह सकते हैं कि बेरोजगारी होने के चलते लोग हथियार भी उठा रहे हैं उस ओर भी जा रहे हैं दूसरा नशे की ओर भी जा रहे हैं तो इनको रोकना है ये तब रुकेंगे जब हम इनको रोजगार मुहैया कराएंगे वो मतलब कोई पार्टी हो ना कांग्रेस हो जनता हो कम्युनिस्ट जो भी हमको कोई पार्टी जीते हमको कुछ यहाँ ये होना चाहिए हमको मतलब विकास विकास हम यही सोचते हैं अपना कांग्रेस जीते ना जनता जीते कम्युनिस्ट लेकिन विकास के में इसमें आपको क्या क्या चाहिए इधर अगर ये गांव वाले लोग हैं यहाँ पे इतना अंदरूनी हिस्सा है दंतेवाड़ा से भी आगे है तो क्या चाहिए यहाँ के लोगों यहाँ के विकास के लिए भैया यहाँ की भी रोड या स्कूल बोरिंग अपने मतलब लोगों को सुविधा रहने के लिए हर चीज़ के लिए मतलब लोगों को इसी के लिए आदमी ज़्यादा जागरूक होते हैं किसी को मतलब हम वोट दें हॉस्पिटल वगैरह है यहाँ पे है हॉस्पिटल है उसमें कोई इतना नहीं है हॉस्पिटल है शिक्षा विभाग है हर चीज़ जैसे वेटनरी है हर चीज़ को आदमी को मतलब यहाँ रोड अपना भी उतना विकास विकास बोलते आता ही उतना पैसा लेकिन उतना जैसे मेन रोड है पारा पारा कुछ विकास होना चाहिए कोई भी जीत हमको ये चीज़ नहीं है